तो भाइयों आज हमारे पास अवेलेबल हो गई है टाटा हैरियर का रेड डार्क एडिशन, एंड इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं एंड क्या क्या इस कार में हमें नया मिल जाता है, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक देख लीजिएगा आप इसका, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा दिया गया है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा फिटिंग एंड फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल टाटा की सिग्नेचर स्टाइल में दी गई है। यहाँ पर रेड डार्क एसेंट, यहाँ पर रेड एसेंट की यूज़ जरूर किया गया है यहाँ पर। एंड इधर की साइड हम देखेंगे तो हमें फ्रंट में पार्किंग कैमरा मिल जाता है, एंड नीचे की साइड हमें एडास का रेडार मिल जाता है। जी हाँ गाइस, इस कार के अंदर हमें एडास लेवल टेक तक के फीचर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एंड इस कार को एक ऐसे अपडेट की जरूरत थी भी। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो मेनली साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें रेड एसेंट के साथ डार्क की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर। एंड अलॉय व्हील के बारे में बात करेंगे तो आर 18 इंचेस के हमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, एंड डिज़ाइन देख सकते हैं चारकोल ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ हमें देखने को मिलते भी हैं। एंड व्हील बेस काफ़ी अच्छा है कार का, इसी वजह से कार के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एंड ORVM हमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग मिरर के ऑप्शन के साथ मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर हमें इंडिकेटर की प्लेसिंग भी यहीं पर ही मिल जाती है, एंड उसी के नीचे हमें कैमरा की प्लेसिंग मिल जाती है। बेसिकली इस कार के अंदर हमें 360 डिग्री कैमरा का फीचर भी मिल जाता है। मेनली बात करते हैं कार के रेयर प्रोफाइल के बारे में, एंड हेयर यू कैन लुक हैरियर बैजिंग एट हेयर, काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फिनिशिंग का क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, एंड छोटी छोटी डिटेलिंग पर भी यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। एंड पीछे की साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो लाइट देख सकते हैं आपको DRL में प्लेसिंग में देखने को मिलती है, इंडिकेटर हमें हेलोजन में ही देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर हमें वाइपर वॉशर एंड डिफोकर जैसे सभी टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। लोकल फॉर वोकल आप फोन की कनेक्टिविटी के साथ इसको फीचर को अनलॉक कर सकते हैं। हैरियर की बैजिंग मिल जाती है आपको, क्रोम के साथ में बैजिंग मिल जाती है, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, सेंसर्स आपको यहाँ मिलते हैं, एंड स्किड प्लेट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर सी दी गई है। ऊपर की साइड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर सा स्पॉयलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, एंड ऊपर की साइड देखेंगे तो हमें शार्प पिन एंटीना भी मिल जाता है। मेनली गाइस बात कर लेते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक बटन के साथ ये बूट स्पेस मिल जाता है, ओपन कर सकते हैं इजीली। पार्सल ट्रे मिल जाती है स्टैंडर्ड, एज स्टैंडर्ड सभी मॉडल के अंदर मिलती है, एंड यहाँ पर हमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, लैंप मिल जाता है इधर की साइड, एंड JBL के बूफर की प्लेसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत स्पेस, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, प्रैक्टिकली हुक यहाँ पर मिल जाते हैं 2kg के। एंड इधर की साइड देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, स्टेफनी हमें जो है वो नीचे की साइड देखने को मिलेगी, एंड इधर की साइड हमें टूल किट देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर की साइड हमें जो है कवरिंग वगैरह प्रॉपर मिल जाती है, ये हैंडल मिल जाता है, इसको पकड़ के आप क्लोज कर सकते हैं, बेसिकली हम तो ऐसे ही करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी डोर है, कोई भी हल्का मटेरियल यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा मतलब टैंक ही कार है। मेनली बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में, तो कुछ टाइप का आपको की सेटअप मिलता है, लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर भी यहाँ पर मिल जाता है, बूट एक्सेस का बटन यहीं पर ही देखने को मिल जाता है, बाकी आपको स्मार्ट की सेटअप देखने को मिलता भी है। गेट के ऊपर हमें रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, इंटीरियर की साइड आते ही तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें नई रेड एसेंट के साथ हमें सीट अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, लेदरेट सीट अपॉल्स्ट्री कह सकते हैं हम, एंड मेमोरी फंक्शन के साथ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ ऑप्शन हमें अवेलेबल जरूर देखने को मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन भी यहाँ पर हमें अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। एंड मेनली हम डोर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यूज़ होता है देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर हमें जो है ऑल फोर विंडो पावर में मिलती है, एंड ये क्रोम डार्क क्रोम आप कह सकते हैं इसके साथ हमें डोर ओपनर मिल जाता है, ये लेदरेट स्टिचिंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ डोर पॉकेट मिल जाते हैं, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पर है, मैगजीन होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर आप कह सकते हैं, पडल लैंप का फीचर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस इंटीरियर की साइड आते ही सबसे पहले हमें इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, की को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ, ये ऑटोमेटिक मॉडल है तो आपको कुछ इस टाइप का गियर नॉब मिलने वाला है, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, तो हमें बेसिकली इसको ऑन कर लेते हैं, तो हमें कुछ इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा एंड स्पोर्टियर वाली फील देता है भाई, कम्प्लीटली हमें डिजिटल में ही देखने को मिलने वाला है, एंड न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाती है यहाँ पर, जो कि 10 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी साइज काफ़ी अच्छा है, एंड एसी वेंट की फिनिशिंग हमें यहाँ पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलते हैं, एंड काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड इधर की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मड मोड एंड रेन मोड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है, इसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा फीचर है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद इस कार के अंदर हमें ऐसे फीचर मिल रहे हैं, एंड ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, एंड यहाँ पर हमें हिल डिसेंट कंट्रोल एंड हिल होल्ड असिस्ट के फीचर देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी डैशबोर्ड लेआउट आप देख सकते हैं, ये टेक्सचर का यूज़ आपको लगेगा लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक में है कम्प्लीटली, बाकी यहाँ पर हमें सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यूज़ होते देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली आपको कुछ टाइप का ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे
तो हमें काफी ज्यादा प्रीमियम सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है विद लैंप के साथ, एंड ये कूल्ड में है कम्प्लीटली। बाकी इधर की साइड देखेंगे तो हमें जो है वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, एंड यहाँ पर हमें यूएसबी केबल मिल जाता है, एंड इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को। एंड ये वायरलेस एंड्रॉइड ओटा एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ ये मिलती है। एंड यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रीमियम टचिंग फिनिशिंग का यूज किया गया है। यहाँ पर हमें रेड एसेंट के साथ जो है ये फिनिशिंग में दिया गया है, लेदरेड काइंड ऑफ। एंड यहाँ पर हमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थ्री हैं ये, ट्विन है कह सकते हैं आप। एंड यहाँ पर हमें आर्म रेस्ट मिल जाती है, इसके अंदर भी हमें पावर सॉकेट मिल जाते हैं 12 वॉट का, एंड इस टाइप सी एंड यूएसबी केबल के कनेक्टिविटी के साथ मिल जाते हैं। एंड ये कम्प्लीटली जो है कूल्ड में ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर भी हमें सॉफ्ट टचिंग मटेरियल की स्टिचिंग का यूज़ किया गया है, यहाँ पर सॉफ्ट टचिंग मटेरियल मिल जाता है। एंड बाकी बात करेंगे मेनली सीट की क्वालिटी के बारे में, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कम्प्लीटली लेदरेड अपॉस्ट्रोफी में देखने को मिलती है विद वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शंस के साथ। बाकी ऊपर की साइड हमें IRVM कम्प्लीटली ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर की साइड ये माइक की प्लेसिंग मिल जाती है, लैंप मिल जाता है, एंड सनरूफ के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पैनारोमिक सनरूफ है कम्प्लीटली, एंड ब्लाइंड भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड में ही दिया गया है, सॉफ्ट में नहीं दिया गया है जैसे ग्रैंड विटारा में बिल्कुल कपड़ा टाइप का लगा रखा है, तो उस टाइप का नहीं है। पैसेंजर साइड हमें जो है मिरर मिल जाता है एंड विद लैंप, एंड इधर की साइड भी हमें, यहाँ पर हमें मिरर वगैरह नहीं मिलता है। एंड गाइस हमें JBL के स्पीकर का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया 10 स्पीकर की प्लेसिंग हमें इस कार के अंदर हमें देखने को मिलती है। बाकी जगह जगह पर हमें एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर, एंड उस साइड भी हमें एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। रियर साइड के बारे में बात करेंगे तो रियर साइड की साइड आते ही हमें पीछे की साइड भी सॉफ्ट टचिंग मटेरियल के यूज़ होते हुए देखने को मिल जाता है। पावर विंडो मिल जाती है रेड स्टिचिंग में ही, हमें डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, एंड ये काइंड ऑफ आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी हमें रेड कलर में ही हमें लेदरेड सीट अपॉस्ट्रोफी देखने को मिलेगी। आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है विद ट्विन कप होल्डर्स, एंड पीछे आगे वाली सीट को मैंने पूरा पीछे को धकेल रखा है, मतलब पूरा पीछे की साइड से एडजस्ट करा हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं लेग रूम काफी ज्यादा इनफ बच रहा है। डोर पॉकेट मिल जाती है यहाँ पर, एंड नी रूम एंड लेग रूम काफी अच्छा बच रहा है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ यहाँ पर मिल जाता है। एंड हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम भी मेरी हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, तो स्पेस के मामले में तो कहीं से कहीं भी तक भी कोई भी कमी यहाँ पर नहीं आने वाली है। एयरबैग मिल जाता है यहाँ पर, एयरबैग की बैजिंग, एंड यहाँ पर हमें लैंप मिल जाते हैं, एंड एसी वेंट हमें इस साइड देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर हमें कोई भी एसी वेंट नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं टाइप सी में एंड यूएसबी केबल के साथ, यहाँ पर आप अपना फोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। एंड ओवरऑल प्रीटी मच स्पेस काफ़ी अच्छा है। पीछे की साइड पार्सल ट्रे मिल जाती है, एंड पीछे की साइड ये ऊपर की साइड वाला भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है, कम्प्लीटली सॉफ्ट टचिंग मटेरियल के साथ ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो भाई यही था टाटा हैरियर के न्यू मॉडल का कंप्लीट डिटेल रिव्यू, एंड इसके प्राइस डिटेल एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि टाटा हैरियर का रेड डार्क एडिशन आपको कैसा लगता है। एंड गाइज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाते रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्ट रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।